एआरओ की नौकरियों को लेकर के वो धरने पे बैठे थे, वो री एग्जाम की मांग कर रहे थे। उन्होंने प्रशासन ने सरकार ने दबाव बनाया, लेकिन मैं बधाई देता हूँ छात्र नौजवानों को जिन्होंने री एग्जाम करा कर ही अपना आंदोलन खत्म किया है। ये कैसी सरकार है जिसमें हर पेपर लीक हो रहा है? ये पेपर लीक नहीं हो रहा है, ये सरकार जानबूझ करके लीक कर रही है। सरकार की नियत नहीं है नौकरी देने की, नियत नहीं है नौजवानों का भविष्य बेहतर हो, इसीलिए पेपर लीक हो रहे हैं। ये लीक जो कर रही है सरकार पेपर, इनके वोट लीक हो रहे हैं। जो मैंने गणित समझाया, 60 लाख बच्चों का जो परीक्षा छूट गई, जिनका एग्जाम हो करके पेपर लीक के कारण दोबारा उन्हें लिखना पड़ेगा, 60 लाख × 3 अगर हम सदस्य परिवार के माने तो 1,80,00,000 लोग होते हैं, और 1,80,00,000 अगर हम भाग दे दें 80 लोकसभाओं से तो हर लोकसभा में 2,25,000 वोट लीक हो गया है भारतीय जनता पार्टी का। उत्तर प्रदेश में सफाया होने जा रहा है भारतीय जनता पार्टी का। प्रत्याशी कब तक घोषित करेंगे आप? बसपा के साथ गठबंधन की बात चल रही क्या? प्रत्याशी बहुत जल्दी घोषित हो जाएंगे, और चुनाव की तारीख आते आते जनता भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए तैयार मिलेगी। क्या बसपा के साथ भी गठबंधन हो रहा है क्या? गठबंधन बहुत हो चुके हैं, अब मैदान में लड़ाई में जा रहे हैं। अरे कन्नौज देश की राजधानी रही है, कन्नौज नहीं, 80 हराओ का नारा है। बीजेपी हटाओ, लोकतंत्र बचाओ, बीजेपी हटाओ, संविधान बचाओ, बीजेपी हटाओ, नौकरी पाओ, बीजेपी हटाओ, रोजगार पाओ। आप चुनाव लड़ेंगे कि नहीं? ये चुनाव में लड़ाई जाता है, चुनाव इसीलिए आते हैं कि लोग लड़े चुनाव। आप कहां से लड़ेंगे? कहां से लड़ेंगे चुनाव? आप लड़ाएंगे? अरे हम लड़ाएंगे भी, लड़ेंगे भी, और सब कुछ करेंगे, आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे। अच्छा, आज जो है पूजा पाल जी केशव जी से मिली है, क्या वो पार्टी छोड़ रही है? देखिए, जो राजनेता हैं या राजनीति करने वाले हैं, हम सब सम्मान के लिए राजनीति करते हैं। राजनीति में राजनेता सम्मान के लिए, और कुछ लोग सामान के लिए राजनीति करते हैं। यह भारतीय जनता पार्टी की जो नई राजनीति है, जो विकसित भारत का सपना दिखा रहे थे, विश्व गुरु भारत का सपना दिखा रहे थे, वो बताओ विधायकों को मंत्रियों को तोड़ने के लिए पैकेज दे रहे हो? इतना पैकेज की बात कर रहे हो? लोकतंत्र बचाने के लिए इंडिया गठबंधन एनडीए परिवार को जिताए, यही आह्वान समाजवादियों की। मदरसे बंद हो रहे, मदरसे बंद किए जा रहे, इस पर क्या कहेंगे? 1300 मदरसे बंद करने की बात हो रही है। हमारे उत्तर प्रदेश में और देश में ये आजादी थी कि संस्कृत पढ़ाई जाए, मदरसों में पढ़ाई उनके हिसाब से की जाए, मदरसा बोर्ड है, और जिन परिस्थितियों में संस्कृत बोर्ड बना होगा, संस्कृत विद्यालय बने होंगे। ये केवल मदरसे बंद नहीं कर रहे हैं, ये संस्कृत के विद्यालय भी बंद कर रहे हैं। जो सुविधाएं नेताजी ने, समाजवादियों ने संस्कृत के शिक्षकों के लिए, गुरुओं के लिए या संस्कृत की संस्थाओं के लिए दिया था, उसको भी छीन रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी केवल एक समाज की दुश्मन नहीं है, ये देश को दुश्मन है, देश की। अच्छा, AIMIM लगातार मुस्लिम वोटों का डर दिखा रही है। AIMIM लगातार मुस्लिम वोटों का। देखिए, आपको फिर इस बात की करनी चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, क्योंकि प्रयागराज कोई वो स्थान नहीं है जिससे कि पत्रकारों को हमें समझाना पड़े। यहाँ के बहुत जागरूक पत्रकार हैं। सोचो, चीन की सीमा पर रिजंगला थी, रिजंगला हमारे जवानों के स्मारक बना हुआ था, चीन ने वो तोड़ दिया कि नहीं तोड़ दिया? भारतीय जनता पार्टी के पास क्या जवाब है इसका? हमारे सीमा सुरक्षित है, उसका कोई जवाब भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं है। और जो सुप्रीम कोर्ट मांग रहा है इलेक्टोरल बॉन्ड्स को लेकर के, क्या भारतीय जनता पार्टी पीछे नहीं भाग रही? और आपको ये विचार करना चाहिए, जब सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स जिन लोगों ने दिए उसकी सूची दे दो, अरे आजकल तो PDF फाइल होती है, एक क्लिक में सब नाम मिलते हैं। ये जो पत्रकार साथी हैं, बताओ एक दिन में कितनी सरकार की न्यूज आपको मिलती होंगी?
या कितनी लिखने को मिलती है, सोचो वही सरकार इलेक्टोरल बॉन्ड्स किसने दिए हैं वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रही है, स्वीकार नहीं कर पा रही है, और कितने महीने का समय मांग रहे, 6 महीने का समय। इससे बड़ा भ्रष्टाचार कोई नहीं हो सकता है जो सुप्रीम कोर्ट अगर कोई सूची मांग रहा है उससे सरकार भाग रही हो। अच्छा, जो चिंता का विषय है, दो वरिष्ठ नेता आपके संस्थापक सदस्य भी यहाँ के नाराज चल रहे हैं, उनके नाराज नहीं है, हम उनसे बात कर लेंगे, उनके साथ बैठ करके चाय पियेंगे तो मामला ठीक होगा। आज मिलने का इरादा है क्या उनसे? आज नहीं मिलेंगे, उनसे मिलने के लिए स्पेशल मैं फिर आऊंगा।